देखिए, पूरे सुरंग ऑपरेशन के बाद ये श्रेय दिया जा रहा है रैट माइनर्स को। रैट माइनर्स के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। इस वक्त गुड न्यूज टुडे के साथ रैट माइनर्स खुद जुड़ गए हैं। जहां पर ऑगर मशीन काम नहीं आई, वहां पर रैट माइनर्स ने कारनामा करके दिखाया है और सभी 41 के 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। तो मेरे साथ इस वक्त तमाम रैट माइनर्स जुड़ गए हैं, एक एक करके उनके नाम सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। मुन्ना मेरे साथ हैं, देवेंद्र मेरे साथ हैं, इरशाद मेरे साथ हैं, वकील मेरे साथ हैं, हैं, नसीब हैं, सौरभ हैं, नासिर हैं, फिरोज हैं। आप सभी का गुड न्यूज टुडे पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो गुड न्यूज टुडे आप सबके जज्बे को सलाम करता है। आपने जो किया है ना, उसको सच में अगर शब्दों में मैं बयां करना चाहूं तो शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे आप सबकी तारीफ करने के लिए। आपने इतना कमाल का काम करके दिखाया है। मुन्ना, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि ये पूरा ऑपरेशन जब आपको पता चला कि आपको ये करना है, फाइनली जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी गई, तो पहला थॉट क्या था और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया वो बताइए। हम जब हमारे पास फोन आया बकरी कृष्ण भाई का, मेरे पार्टनर हैं ये, इन्होंने कहा मुन्ना हमें ये काम करना है। हम घर से तुरंत, इन्होंने बोला गाड़ी आ रही है, हम गाड़ी लेके सुबह 5 बजे यहाँ पे आ गए। आके हमने देखा इसमें 10 मीटर काम बता रहे थे, 18 मीटर काम हुआ इसमें, तो हमें 10 मीटर काम करना था, 18 मीटर काम करा हमने 26 घंटे में। इसी हिम्मत और इसी जज्बे को, जैसे आपने कहा ना, इसी हिम्मत जो आपने दिखाई है इस पूरे ऑपरेशन में, उसी को हम सलाम करते हैं। और वो वाकई ऐसी हिम्मत थी कि आपने इस पूरे मिशन को सक्सेसफुल करके दिखाया है। इरशाद भी मेरे साथ है। इरशाद, मैं ना समझना चाहूंगी कि रैट माइनर्स जो है, रैट माइनर्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि मैनुअल काम होता है, हाथों के जरिए काम होता है, कितना वक्त लगता है, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है वो समझाइए जरा। का मतलब है कोले की खान में जो कटिंग करते हैं ये उसका मतलब है, और हमारा जो होता है सीवर लाइन डलती है, गैस लाइन डलती है, और ये हमारा वाटर लाइन डलती है, ये अंडरग्राउंड डलती है, गड्ढा खुद के अंदर 50-50 मीटर डालते हैं, इसे बोलते हैं चूहा पुशिंग, जेट पुशिंग जी। इरशाद, इरशाद मेरी आवाज अगर अब तक आ रही है, मुझे ये बताइए कि जब ये जे प्रोसेस जब आपने स्टार्ट किया, रैट माइनिंग जब आप कर रहे थे, तो आपको लग रहा था कि हमें सक्सेस मिलेगी? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया होगा, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में होंगे कि शायद हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा, शायद हो पाएगा, तो क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? दिमाग मतलब मैं बहुत कुछ चल रहा, कठिनाई भी बहुत दिखी है इसके अंदर, जो हम अंदर जाके पाइप के अंदर जो हमने देखा था, जब ओगर कटर वगैरह मशीन से बाहर निकाला हमने, जाल था उसके अंदर 32 mm सरिया का जाल था, और ये काफी मोटी मोटी प्लेटें थी, गार्डर थे, हमें लगा था ये बहुत नामुमकिन है, मगर एक जज्बात, एक जनून अपने देश के लिए और अपने मजदूर भाइयों के लिए, इसलिए हमने हिम्मत नहीं तोड़ी, जैसा भी हो उस काम को हम अंजाम देके जाएंगे। इसलिए हमने किसी भी लड़के ने कोई भी ऐसी बात ना करी कि जैसे हम काम कामयाब ना हो, मगर हमने इसे हिम्मत से जैसे भी चाहे बहुत मेहनत करी जी, होना तो ना हो ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया तो हमने इसको कामयाब। देखिए, ऊपर वाले ने साथ तो दिया ही है, साथ ही साथ आप सबकी मेहनत भी है, जिस मेहनत के बदौलत वो तमाम 41 मजदूर जो हैं वो सकुशल वापस निकाल लिए गए हैं। आप बाहर आए, आपने बाहर निकाला उन मजदूरों को, आपके अधिकारियों के साथ वहां पर पुष्कर सिंह धामी जी भी मौजूद थे, उनसे बातचीत हुई है, उनका रिएक्शन क्या था? सीने से लगाया उन्होंने, बहुत शाबाशी दी, और एक्चुअली क्या बहुत भीड़ भड़का ज्यादा थी, मिलिट्री कैंप्स थे वो, बहुत थोड़ा सा इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं हो पाई, उन्होंने हमें गले से लगा के शाबाशी दे के और हम फिर थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आपने सेलिब्रेट किया है, सेलिब्रेशन हुआ है? घर जाके हो गए। अच्छा, अभी घर नहीं गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे ये ऑपरेशन था ना, ये देश का एकमात्र और इतना क्रिटिकल ऑपरेशन था जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी, 17 दिन का इंतजार किया है, 41 जिंदगियां फंसी हुई थी, तो आपको लगा था कि ये ऑपरेशन हमारे हाथों में आएगा? इससे पहले ऐसे ऑपरेशन आप कर चुके हैं क्या? मैं जवाब दूं मैम? जी जी मैम, इससे पहले हमने ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया, बट ये हमारा एक लाइफ का हिस्सा है, ये जो काम है हम इसी तरीके से करते हैं, रेड माइनिंग के हिसाब से जैसे आप बोल रहे हो, तो ये जो हमारे लाइफ की पहली अपॉर्चुनिटी, मानिए ये मानिए कि हमें तो इस चीज को उम्मीद ही नहीं थी कि इसमें हमें मौका मिलेगा काम करने का, लेकिन ये ऊपर वाली कृपा ही है जो उनके आशीर्वाद से हमें मौका मिला, और मौका मिलने के बावजूद जिनको जिनकी उम्मीद हमसे जुड़ी हुई थी, हमने उनकी उम्मीद तोड़ने नहीं दी,
सबकी उम्मीदें बरकरार रखी और टाइम से पहले हम उनको निकाल के लेके आए थे वहां से। एक और चीज इसी के साथ मुझे याद आई कि आप सबके लिए इनामी राशि की घोषणा भी कर दी गई है कि आप सबको इनामी राशि दी जाएगी, जब वो हाथ में आएगी फिर क्या होगा? अरे ये तो बहुत अच्छा, इनामी धनराशि ठीक है, जो भी मिलेगा उससे हमारा दिल इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, हम सोचेंगे हमने कुछ किया और उसका इसके लिए हमें इनाम स्वरूप हमें कुछ मिला, सम्मान मिला। वो तो जो आपने किया है अच्छा उसकी बदौलत आपको सम्मान मिल रहा है ना, ये बहुत कम है, क्योंकि इसको मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इसको हम, मैं तो शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर पा रही, क्योंकि ये इमोशनल भी बहुत है, ये पूरा पूरा जो प्रोसेस हुआ है ना, इसमें पूरा देश भावुक हुआ है, लोगों के आंसू निकले हैं अपने मजदूर भाइयों के लिए, और जो आपने किया है ना उसको तो जितनी उसकी तारीफ की जाए वो कम होगी। अच्छा ये ना मैं जो समझना चाह रही हूँ, जितनी मेरी जानकारी है वो ये कि आपका सारा का सारा काम हाथ से आप लोग करते हैं, हाथ से ही औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि रास्ते में सरिये आते जा रहे थे, औजार उसको काटते जा रहे थे, तो ये कितना वक्त लगता है, किस प्रकार से आप इसको आगे इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं? मैम, जैसे जाल ज्यादा होता है इसमें हाँ ही ज्यादा, आई थिंक हम लोगों को जैसे जाल बना होता है सरिये का, 25-32 mm का सरिया होता है, उसे काटना बहुत टफ होता है, बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा कटर से अगर हम उसको काटते हैं तो अंदर एक तो गैस भी बन जाती है, उससे ही प्रॉब्लम होती है, प्लस गर्मी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज से क्रिएट होती है। अगर मिट्टी हो तो दिक्कत नहीं होती, इस काम को हम 12 घंटे में ही खत्म कर देते हैं। और इसमें टोटल आपको कितना टाइम लगा? मैम इसमें हमें 26 घंटे करीब, 26-27 घंटे लगेंगे। 26-27 घंटे, और 26-27 घंटे में आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए होंगे ना, क्योंकि हम भी बाहर से जो देख रहे थे हमें लग रहा था कि अब मंजिल बहुत करीब है, फिर निराशा हाथ लगती थी, फिर आशा हाथ में आती थी, फिर निराशा हाथ लगती थी, फिर ऐसे लगता था कि अब हो गया, अब हो गया। ये आई एम श्योर कि ऐसी फीलिंग्स आपको भी आ रही होंगी उस वक्त। एक्चुअली क्या हुआ मैम, जब 3 बजे के आसपास ऐसा हुआ, कहीं से आवाज आई कि निक आ गया, पाइप आ गया, तो सभी इतनी जोर से सेलिब्रेशन करने लगे, सभी लोग, ऑफिसर अधिकारी जो टीम हमारी कंपनी के लोग, सभी लोग की हाँ हमने अचीव कर लिया। बट और हमारे जो लड़के पाइप के अंदर बैठे हुए थे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, हो तो हो क्या हो गया, वो तब तक हम क्लिक नहीं कर पाए थे, उस चीज को पार पार नहीं कर पाए थे, तो हमारे वाले लड़के निकल के आए हुए देख रहे क्या हो गया यहाँ पे, और उनको देख के भी नाचने लगे बाद में पता लगता हाँ। नहीं हुआ, 3 मीटर का पाइप जोड़ा उसके बाद वो फिर हम उसको पार किया। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अपने हिम्मत, इतने हौसले को, और आई एम श्योर कि एक मेंटल स्ट्रेस होगा ना, एक चिंता होगी कि कब हम इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएंगे, तो उस टॉर्चर को, उस मेंटल स्ट्रेस को कम कैसे करते थे, और जब लगता था कि मिशन के बहुत करीब पहुंच गए हैं फिर नाकामयाबी हाथ लगती थी, फिर क्या करते थे अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए? मैं स्ट्रेस के लिए मैंने लड़कों से बोला हुआ था कि जिस स्टेज पे आप हो वो आगे भी हैं लोग, उनको बचा के लेने लेके ही आना है, अब कैसे भी करके लेके आना मैं नहीं जानता, लेके ही आना है। तो मैम सबसे पहले बात, स्ट्रेस तो था बट हमारे दिमाग में ये भी था किसी भी हालत में और कैसे भी करके उनको लेके ही आना है, चाहे मैं लगातार कितनी दिन तक काम। अच्छा मुझे ये बताइए, आप सब में से अभी तो चूंकि सेलिब्रेशन का मूड होना चाहिए है ना, तो आप में से कोई गाना गाता है? कौन गाता है? गाता हूँ ना, क्योंकि मौका ऐसा है तो गाना तो होना चाहिए, जीत हुई है, जश्न होना चाहिए। मैं आपका पुराना गाना बताता हूँ, हाँ, साहब का, गालो मुस्कुरा लो महफिल सजा लो, कोई साथी छूट जाए जीवन की डोर बड़ी कमजोर। मैं गाऊँ, मैं गाना, हाँ जी प्लीज। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे, क्या बात है, है वतन तेरे। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और यही कुछ करके तो दिखाया है, क्योंकि जो भी आपने किया है ना वो देश के लिए किया है, अपने वतन के लिए किया है, अपनी भारत माता के लिए किया है, अपने मजदूर भाइयों के लिए किया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से पूरी गुड न्यूज टुडे की टीम की तरफ से मैं आप सबको सलाम ठोकती हूँ, क्योंकि जो आपने किया है ना वाकई वो कोई नहीं कर सकता था। आप सबकी बदौलत, आपकी मेहनत की बदौलत, आपके जज्बे की बदौलत, आपके जुनून की बदौलत हमारे मजदूर भाई सकुशल बाहर निकल आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।